चलें दोस्तों, आपको बता भी देते हैं कि भाई हमारे गिनी पिग्स ने ना भाई बच्चे दे दिए, और माशाल्लाह इतना क्यूट बच्चा दिया ना, ये देख सकते हैं दोस्तों, पानी पी रहा माशाल्लाह, ये देख रहे हैं। फिर जो अभी इनको लुसन भी दे देंगे, अभी देखिए माशाल्लाह ये खाएंगे, देखते हैं इनका बच्चा आके खाता या नहीं खाता। ये तो माशाल्लाह देखें खा रहे हैं सारे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों भाई सेटअप पर आ गए, और दोस्तों अभी जो है ना आके देखा तो माशाल्लाह भाई बड़ी अच्छी ना गुड न्यूज़ हमें जो मिली है, तो अभी इंशाल्लाह आपको भी दिखाएंगे। बाकी दोस्तों भाई यहाँ ना हमारी मुर्गी ने भाई ये अपना ना एक क्लिप निकाल लिया, तो यार मैं बोलता हूँ रहने तो कोई मसला नहीं है, इसने निकाल लिया ना तो ये तो लड़ती नहीं है, ये दोनों जो है इसको मारती हैं। तो फिलहाल मैंने दोबारा इसको पहनाया नहीं, मैंने बोला छोड़ देते हैं क्योंकि वो लड़ रही थी, तो अब ये कि उनके तो लगा हुआ है, उनको नज़र नहीं आ रहा, ये इसको दाना वाना खाने में भी मसला हो रहा होगा। अब ये कि दाना पानी भी कर लेगी और आराम से घूम भी लेगी, बाकी तो माशाल्लाह भाई सुकून से घूम रही है ये, ठीक है ना। और मैं आपको जोजो का भी दिखाया था, जोजो हमारा क्या कर रहा है भाई। जोजो तो भाई सुकून से मस्त होकर साइड में बैठा हुआ है। अच्छा यार गर्मी हो रही है और इसका हीटर भी चल रहा है, पता नहीं ऐसे इसको पानी में गर्मी तो नहीं लग रही होगी, हीटर का तो मसला नहीं है। और दोस्तों यार एक और बात यार आपको बताने दी, एक अच्छी खबर के साथ एक बुरी खबर दी है कि हमारी लैला का ना एक चूज़ा यार मर गया। अभी मैंने आके देखा था, वो पीछे वो पड़ा हुआ ना, अभी इसको निकालेंगे ठीक है ना अभी, क्योंकि मुझे पता ही था यार, पप्पा ने सुबह बताया था, मगर मैं ऊपर आया नहीं, तो मैं अभी आया हूँ, तो फिर मैंने अभी देखा आके, क्योंकि ना उसको शायद मेरे ख्याल से ना शामिल उसको मोशन वगैरह लगे हुए थे शायद, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है उसको ना शायद मोशन मोशन हो रहे थे यार। और थोड़ा ना हमारी ये लैला के भी ना काम है, ये बच्चों को ना दबा देती है। तो यार दोस्तों मैं क्या सोच रहा हूँ ना, हम ना आज लैला को शामिल अलग कर देंगे बच्चों से। हाँ यार ये अपने बच्चों को मार देती है यार, ये सही नहीं है, पता नहीं कैसी है ये। हमने बोला था जल्दी अलग कर देंगे। हाँ क्योंकि यार दोस्तों पहले भी हमारे बच्चों को ना लैला नहीं मारा था, और ना अभी भी जो लैला ने एक बच्चा मारा है, ऐसी अगर और बच्चे भी रहेंगे ना तो ये उनको भी दबा के मार देगी। नहीं नहीं मैडम के साथ नहीं, हम लैला को ना सुल्तान के साथ वापस छोड़ देंगे भाई। तो दोस्तों यार अभी जो है ना मैं लैला को उठा के ना सुल्तान के पास ले जाता हूँ, सुल्तान के पास यहाँ पे अपने ना जगह पे सेटअप पे छोड़ देंगे ठीक है। यहाँ पे फिर सुल्तान भी आराम से ना खुला होकर घूम लेगा, मसला नहीं है, इधर और कहीं जाएगा भी नहीं। अभी फ़िलहाल ना क्या करते हैं, चिक्स को भाई यहीं पर रहने देते हैं, या तो फिर देखते हैं चिक्स के लिए ना कोई अच्छा सा शामिल छोटा केज ले आएंगे, उनको अलग करके भले अपने हम ना नीचे रख लेंगे चिक्स को। यार दोस्तों मसला नहीं है, वो तो चिक्स हम कहीं भी रख लेंगे, तो अलग केज में कर लेंगे, या फिलहाल अभी देखते हैं इसी केज में रहने देंगे, और ना लैला को इसमें से निकाल देते हैं, क्योंकि यार ये ना बच्चों को तो मारती रहती है, पता नहीं इसके साथ क्या मसला है। और हमारा लोमन ब्राउन का बच्चा भाई काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, इसमें सबसे बड़ा लगता है, बिल्कुल अलग लगता है वो लोमन ब्राउन वाला ना। और दोस्तों अब यहाँ पर इनको भी देख लेते हैं भाई, हमारे जो मैडम के चिक्स हैं इनके क्या हाल चाल हैं। अच्छा ये भी माशाल्लाह सारे फुली एक्टिव हैं, तो इनको क्या करते हैं, इनको खोल के ना वहाँ ले चलते हैं। शामिर गेट खोलो, मैडम की चिक्स को वहाँ ले के चलते हैं, वहाँ का गेट तो खोलो। तो दोस्तों ज़रा मैं इनका बाहर निकालता हूँ, और ना इन सबको फिर ना गेट बंद कर देता हूँ यहाँ का, वरना ये वापस ना अंदर घुसते हैं। चलो भाई सारे बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, आ जाओ तुम भी आ जाओ, एक क्यों अंदर जा रहे हो, चलो बाहर। अब जो ऐसा ऐसा करके भाई इनको ले कर जाएंगे, अभी देख सकते हो दोस्तों, अभी मैं इनको लेके जाता हूँ, डंडा लेना पड़ेगा यार, ऐसे ना जाते नहीं अंदर, तो इनको पहले देखते हैं भाई। शामिर ज़रा चलो चलो चलो, शाबाश, चलो 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 अंदर चलो उधर। तो दोस्तों भाई ऐसे तो ये जाएंगे नहीं, इनके लिए ना डंडा उठाना पड़ेगा मुझे, फिर ही डंडे से ही जाएंगे। चले मैं इसको ज़रा अंदर करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। चलो शामिर हाँ तुम करो ज़रा, फिर करो करो, शाबाश। तो भाई दोस्तों भाई शामिर ने भाई बड़ी मेहनत से भाई सारे ना चिक्स को अंदर कर दिया है, देख सकते हैं। और वहाँ पे वो लैला भी भाई परेशान हो रही है कि मुझे भी ना फटाफट अंदर करो क्या। हाँ दोस्तों भाई फाइनली इनको अंदर लिया है सबको, माशाल्लाह भाई अभी मिट्टी में खूब खेलेंगे, बस ये हमारी डक्स तंग ना करें, वरना इसको हमें बंद करना पड़ जाएगा यार, ये बहुत तंग करती हैं, सब चीज़ों को तंग करती हैं, मुर्गियों को भी, सारी मुर्गियों को तंग करती हैं। अभी ये देखें आ गई है, ये देखें वहाँ से घूम के आ रहे हैं, और ये इनको तंग करेंगे बच्चों को। ये माशाल्लाह भाई मिट्टी में बड़े ही खुश होते हैं हमारे सारे बच्चे ना ये वाले, और ये अब शोर करने लग जाएंगे, बस हमारी जो डक्स है ना बड़ा ही शोर करती हैं ये, अभी तो फिलहाल वहाँ बैठे हैं। हाँ लैला को भी अभी लेकर आते हैं, अभी देखते हैं। हाँ हाँ दोस्तों अभी आपको एक खुशखबरी भी देनी है इंशाल्लाह भाई, गुड न्यूज़ है, VIP वाली है, जो काफ़ी दिन से हमें भी इंतज़ार था, शामिर को भी इंतज़ार था, और शामिर को तो भाई पता भी नहीं था दोस्तों, शामिर को तो मैंने अभी अभी आके ना दिखाया है, शामिर को तो भाई पता ही नहीं था। फिलहाल अभी आपको भी दिखाएंगे, और आपको दिखाएंगे ना फिर आप वाकई बोलेंगे कि भाई अच्छी ना आपने न्यूज़ दिए, VIP वाली हैं शामिर। और भाई बहुत ना बहुत खूबसूरत चीज़ आई है हमारे पास,
जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था यार। हम बोले थे जल्दी से आ जा, जल्दी से आ जा। और यार हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना मतलब अच्छी ना ब्रीड हमारे पास आएगी है शामिर। हाँ। हमें पता नहीं था यार, फुल मतलब VIP ऐसा लग रहा है, बिल्कुल कंचा पीस है। तो दोस्त अभी आपको चल के इंशाल्लाह दिखाएंगे। बाकी अभी इनको घूमने देते हैं, चिक्स यहाँ पे कुछ दाना खा रहे हैं, कुछ जो है वहाँ चलेगा। और वो देखें डक्स हमारी जो है चॉकलेट को भी तंग करने चले गई है। ये यार बाज नहीं आएंगे, कभी किसी को तंग करती है, कभी किसी को तंग करती है। और देखें बच्चों को देख के ना माशाल्लाह सुल्तान भी ना खुश हो रहा है, खूब मिट्टी में खेल रहा है। हाँ ये असल में हमने ये वाला ना ये तोतों का दाना जो हमारा जो बचता है ना तोतों का दाना यहाँ पे फेंक देते हैं हम, ताकि हमारी मुर्गियाँ वगैरह खा जाएं। अब जो है यार मैं देखता हूँ वो ज़रा उस बच्चे को भी निकाल लूँ जो मरा हुआ है, क्योंकि आपको पता है फिर वो जरासीम वगैरह होंगे, फिर दूसरे बच्चों को भी रिएक्ट करेंगे। और लैला को भी निकालते हैं, अभी सारे बाहर आ जाएंगे क्या? हाँ दोस्तों लैला को निकाल लेते हैं। और हम चिक्स को नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे ना चीले बगैर बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि अगर चिक्स एक भी बाहर आए ना तो ये चीले देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीले हो रही हैं हमारे ऊपर ही ना, ये देखें ये ऊपर ऊपर घूम रही है। तो फटाफट हम लैला को निकालते हैं, जो मरा हुआ चिक्स उसको निकालते हैं, ठीक है, फिर इनको अलग कर देते हैं। दोस्तों अभी जो है ना हमने इस बच्चे को निकाल लिया, ये रहा भाई, ये ना दब के ही मरा यार, इसको मोशन वगैरह तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहे मुझे ना माशाल्लाह। बाकी सही थे यार सारे चिक्स, अचानक से ना हमारी ये लैला है ना दबा देती है, ये पंजे इतने ख़तरनाक चलाती है ना, जो है बच्चों को दबा देती है। तो अगली बार ना यार मैं क्या करूँगा, जैसे ही इनके बच्चे निकलेंगे ना, बच्चों को माँ के साथ ना मतलब लैला के साथ दाना पानी करने ही नहीं देंगे, बच्चों को फ़ौरन से अलग करके इनकी वो किसी ना ब्रूडर वगैरह में रख लेंगे, ताकि यार बच्चों को ना फिर लैला की आदत ही ना हो, क्योंकि ये जो है ना ये पंजे चलाती है बच्चों को ऐसी मार देती है। अब इसने एक बच्चा मारा है ना, और अगर हमने इसको साथ छोड़ा ना तो ये और बच्चों को मार देगी, इससे बेहतर है कि हम ना लैला को अलग कर दें। और वो देखिए वहाँ पर थोड़ी परेशान हो रही है, मुर्गियाँ ना आपस में लड़ रही हैं। तो अभी चलते हैं, इस बच्चे को ज़रा मैं साइड में रख दूँ, ठीक है, और जो है ना अब लैला को मैं निकालता हूँ, फिर लैला को देखते हैं वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। हमारे ये वाले बच्चे तो भाई यहाँ पे खूब ना मज़े में रहेंगे। यहाँ पे मैं बुरादा वगैरह डाल देता हूँ, थोड़ी सफाई करके केज वेज साफ़ हो जाए, ठीक है ना, ताकि हमारे बच्चे जो है साफ़ सुथरे रहें। और चले मैं ज़रा लैला को छोड़ देता हूँ पहले। तो दोस्तों भाई हमने लैला को तो भाई यहाँ शिफ्ट कर दिया, और हमारे जो सारे ही मैडम के बच्चे ना ये लैला के साथ साथ घूम रहे हैं, क्योंकि लैला को भाई बच्चे पता है लैला के, क्योंकि बच्चे निकले हुए थे। तो लैला ने तो भाई इन सब बच्चों को ना एक्सेप्ट कर लिया। शामिर ये क्या सीन हो गया? तो भाई हमने तो बच्चों से अलग किया था, लैला समझ गई इसी के बच्चे, और वो बच्चे भी ना सारे लैला के साथ घूम रहे, मगर जो इसके जो अपने बच्चे ना माशाल्लाह वो भाई सुकून से रह रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है लैला वैला की ना। अभी मैं आपको चल के भी दिखाता हूँ, और उनकी केज में ना भी बुरादा वगैरह डाल दूंगा। अच्छा सुल्तान ना फौरन भाई भागने लगा था, सुल्तान ने पूरा जाल ही पलट दिया था ये, तो भाई इसको फौरन से हमने बंद किया, क्योंकि अभी बच्चे भी खुले में फिर सुल्तान खुलेगा ना वो परेशान करेगा, सारे बच्चे भी परेशान हो जाएंगे फिर, तो इस वजह से हमने सुल्तान को भाई बंद कर दिया है। अब जो है दोस्तों बाकी अब हम चल के आपको जो है गुड न्यूज़ देते हैं, दिखाते हैं वो है क्या चीज़। तो चलो शामिर चलें। तो चलें दोस्तों आपको बता भी देते हैं कि भाई हमारे गिनी पिग्स ने ना भाई बच्चे दे दिए, और माशाल्लाह इतना क्यूट बच्चा दिया ना, ये देख सकते हैं दोस्तों पानी पी रहा माशाल्लाह, ये देख रहे हैं। अच्छा इसको भाई पता है माशाल्लाह, पहले दिन का बच्चा, इसको सब पता है पानी कहाँ से पीना है, खाना क्या खाना है, मतलब यार ये इनके गिनी पिग्स के बच्चे ना माशाल्लाह बच्चे मतलब बच्चे नहीं होते, ये बड़े ही पैदा होते हैं माशाल्लाह से भाई। और देख रहे हैं अभी ये फीडर में से पानी भी पी रहा था। अच्छा पानी नहीं है शामिर, पानी नहीं है इसके अंदर यार, खाली है। अच्छा मैंने तो देखा ही नहीं। बाकी अब आपको करीब से चल के दिखाते हैं कि भाई माशाल्लाह देख सकते हैं फुल रेड आइज में वाइट बच्चा है, हालांकि इनकी माँ बाप देखें दो पेरेंट्स जो हैं इसके दोनों जो है ब्लैक आइज में, मगर माशाल्लाह बच्चा फुल रेड आइज निकला है। मेरे को तो भाई बहुत ना खुशी हो रही है इसको देख के, इतनी क्यूट ब्रीड दी है। और ये देखें भूखा हो रहा है थोड़ा ना, देखें फीड भी करने का इशारा ही है, तो पता नहीं हमारी जो ये बबली है पता नहीं फीड वीड नहीं करा रही क्या चक्कर है, इंशाल्लाह भी सेट हो जाएगा। अच्छा मैं चल के आ रहा इनको पहले पानी रख दूँ, पानी रखता हूँ फिर ना दिखाता हूँ आप। तो दोस्तों भाई अभी ना मैंने पानी ला के लगा दिया, माशाल्लाह से थोड़ा बहुत पानी पिया है, अभी दोबारा पिएगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसको देखें हमारी बबली को क्या कर रही है। हाँ शामिर अभी रुक जाओ, शामिर अभी सबको डालेंगे ना लुसन, तो इसको भी डाल देंगे माशाल्लाह भाई है। अच्छा भाई दोस्तों लैला ना अपने बच्चों के पास वापसी भाग भाग के जा रही है, इसको असल में ना अभी थोड़ा टाइम लगेगा, या तो हमें ना शामिर बच्चों को ना आगे पीछे करना पड़ेगा, बच्चे सामने नज़र आ रहे हैं इसको जब ये भाग रही है वहाँ पर ना बच्चों के पास। तो भाई दोस्तों देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ बैठा हुआ है हमारा गिनी पिग्स का बच्चा जो है क्यूट था माशाल्लाह, बहुत क्यूट है भाई ये, बार बार अपनी ना जो है अम्मा के पास जा रहा है ये, देख सकते हैं, और बहुत क्यूट है माशाल्लाह वाइट कलर में। मतलब इनके जो बच्चे होते हैं ना दोस्तों, यार मुझे भी पहले पता नहीं था, मैंने भी यूट्यूब वगैरह पर देखा था, इनके जो बच्चे होते हैं ना मतलब पूरे
प्रॉपर पैदा होते हैं, बाल वाल सब उनके आए हुए होते हैं, जैसे और जैसे रैबिट्स वगैरह के बच्चे होते हैं बिल्कुल मतलब छोटे छोटे उस तरह के बच्चे ही होते हैं, इनके बच्चे तो पूरे प्रॉपर होते हैं, सेल्फ पे होते हैं, मतलब ये खा पी हर चीज़ मतलब खा पी लेते हैं, इस तरह के बच्चे होते हैं इनके। अभी देखें थोड़ा बहुत खा भी रहा है इसने, यहाँ से थोड़ा पानी भी पिया है, अब इसको और प्यास लगेगी तो माशाल्लाह पानी वानी पिएगा ये। अब जो है शाम दिन इनका, अब तो भाई केज ना तो हमें लाजमी बनाना पड़ेगा, हाँ तो दोस्तों अब तो भाई एक दो दिन में हमें इनका लाजमी केज ना बनाना पड़ेगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी अब बनाएंगे क्योंकि अब हमारी भाई ब्रीड आ गई है गिनी पिग्स की। अब जो है इनको बड़ा केज चाहिए क्योंकि अब ये इनका जो बच्चा है ये भी इंशाल्लाह कुछ दिन में जो है बड़ा हो जाएगा, तो इनके लिए यार ये केज पर छोटा पड़ जाएगा, तो इंशाल्लाह भाई जल्दी से जल्दी अब केज बड़ा बनाएंगे। और ये देखें सारे भाई मस्तियाँ भी कर रहे हैं और लड़ भी रहे हैं लैला से ना, तो इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। और लैला भाई अब मस्तियों में आ गई है मट्टी में, अब जो है थोड़ा ये बच्चों को ना भूल जाएगी इंशाल्लाह, देखें फुल मस्ती में आ गई है लैला, अब जो है मट्टी में खेल लिए तो खेलने देते हैं इसको भी ना। अब चल के ज़रा शाम में बच्चों के केज में ना बुरादा वगैरह डाल देते हैं और इनको फीड वीड डाल देते हैं ताकि ना मस्त हो गए, अब ये भी इंजॉय करें ये भी अपनी माँ को ना भूल जाए, ठीक है। तो दोस्तों माशाल्लाह देख सकते हैं भाई हमने ना बुरादा डाल दिया और सारे बच्चे जो है बुरादे में खेलने लग गए, और अब ये इंशाल्लाह अपनी अम्मा को जो है भूल जाएंगे लैला को, और वहाँ पे तो भाई मुर्गियाँ इतनी फाइट शुरू हो गई है देख सकते हैं फिर से, आहिस्ता आहिस्ता ही टाइम लगेगा उनको सेट होने में। बाकी भाई ये तो खुश है यहाँ पे, सही है यार ये अकेले ना माशाल्लाह सर्वाइव कर जाएंगे, मुझे पता है अगर लैला को अगर साथ छोड़ेंगे ना लैला तो भाई हमारे ना बच्चों को भाई दबा के मार देगी। तो दोस्तों यार हम तो भाई वहाँ अपने ना लैला के चिक्स के पास बैठे थे, तो यहाँ पे तो भाई फाइट शुरू हो गई। शामिर अबे कहाँ बैठे हो ये, वो देखो उसने फिर क्लिप निकाल लिया भाई, लैला और हमारी ये वाली जो मुर्गी है ना इन दोनों की फाइट शुरू हो गई थी इतनी बुरी, तो फिर मैंने भाई फटाफट लाके ना उसको क्लिप लगाया और देखें इसने फिर निकाल दिया। एक तो यार इन मुर्गियों के साथ ये बड़ा मसला है, शामिर क्लिप उठाओ जाके, वो अभी छोड़ दो अभी नहीं लगा रहे, अभी खेल लिए खेलने देते हैं भाई, ये मुर्गियों का हमें बंद रखना पड़ेगा वरना भाई ये आपस में लड़ेंगे इनसे, ठीक है ना, वरना अगर ये खुली रह गई ना तो इतनी गंदी फाइट हुई थी ना मैं आपको दिखा नहीं सकता, वरना मैं दिखा देता क्योंकि यूट्यूब पे डालूंगा तो भाई मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ जाएगी, इस चक्कर में भाई हमने ब्लॉग नहीं बनाया, फटाफट इनको उठा के और उसको बंद करके उसके आगे भाई ब्लॉक लगा दिया ताकि भाई इनकी फाइट वगैरह ना हो, वरना तो यार ये बड़ी गंदी फाइट कर रही थी, तो अब मैं मुझे पता लग गया भाई बड़ा ना ख्याल रखना पड़ेगा लैला को अगर यहाँ छोड़ेंगे तो, वरना टाइट वाली फाइट हो जानी है इन लोग की, ठीक है ना। बाकी वहाँ ट्विंकल को देखें यार हमारे ना सारे भाई खोर गंदी करने ऊपर चढ़ गई है, ये थोड़ा बहुत हमने इनको छिलके वगैरह दिए थे खाने के लिए तो इन्होंने खाए थोड़े बहुत और बाकी बचा दिए देख सकते हैं। अच्छा थोड़े मटर के छिलके उठा के हम अपने ना जो है उनको डाल देते हैं गिनी पिग्स को, अगर हमारे गिनी पिग्स का बच्चा भी खाएगा तो खा लेगा, फिर जो अभी इनको लहसुन भी दे देंगे, अभी देखिए माशाल्लाह ये खाएंगे, देखते हैं इनका बच्चा आके खाता या नहीं खाता, ये तो माशाल्लाह देखें खा रहे हैं सारे सारे। अब शामिल हमें अपने गिनी पिग्स के बच्चे का नाम भी रखना है, अच्छा सा नाम दोस्तों हम ना भाई अच्छा सा नाम रखेंगे इंशाल्लाह गिनी पिग्स के बच्चे का ना, अभी फिर देखेंगे सोचते हैं हम लोग, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि हमने अपने गिनी पिग्स के बच्चे का भाई नाम क्या रखें। फिलहाल तो भाई अभी एक दोनों ना खा रहे हैं और बच्चा नहीं खा रहा, बच्चा शायद अभी कुछ दिन में खाएगा, हो सकता है एक दो दिन में खाए, बाकी भाई सारी मुर्गियों की ना लड़ाई बढ़ ही नहीं ख़त्म होते। अच्छा मैं यहाँ से क्लिप भी उठा लूँ, इन्होंने क्लिप फेंक दिया हमारी मुर्गी ने, लगाती नहीं है पता नहीं क्या चक्कर है, बस ये लड़े ना और कोई मसला नहीं है, लगाते सिर्फ इस वजह से ही क्लिप की हमारी मुर्गियाँ लड़े ना, अभी तो फिलहाल मट्टी में बच्चे भी खेल रहे हैं मुर्गियाँ भी खेल रही हैं और यहाँ पे हमारे गिनी पिग्स खा रहे हैं, ठीक है ना। अभी जो है इनको सबको जो है लहसुन वगैरह डाल देते हैं मुर्गियों को, ठीक है, और जो अपने दुम्बों को थोड़ी देर में डालेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है, शाम का टाइम थोड़ा और हो जाए, फिर जो अपने सारे दुम्बों को भी डालेंगे, फिलहाल मैं सोच रहा भी गिनी पिग्स को डाल लेते हैं लहसुन। तो दोस्तों भाई एक गड्डी हमने गिनी पिग्स को ना लहसुन के लाके डाल दिए, अब देखते हैं ये बच्चा लहसुन खाता है या नहीं खाता, वैसे अभी खा नहीं रहा, खा रहा है कि शामिर नहीं खा नहीं रहा, हो सकता है बबली खिला रही हो, तो अभी तो ये सूंघ रहा है चीज़ों को ना, देख सकते हैं हो सकता है अभी खाने लग जाए, बाकी हमारे चिंकी और बबली दोनों खाने में लगे हैं माशाल्लाह देख सकते हैं लहसुन कितने शौक से खा रहे हैं, तो अभी बच्चा भी खाएगा, जाओ बेटा खाओ शाबाश जाओ, अभी ना सूंघ रहा है सारी चीज़ों को ना, तो इंशाल्लाह खाएगा अभी, रेड है हाँ रेड आइस माशाल्लाह भाई दोस्तों रेड आइस निकला है, अभी देखें उधर जा रहा है पानी पिएगा, देखें माशाल्लाह देखें दोस्तों माशाल्लाह पानी पी रहा है ये, तो भाई इसको पानी तो पीना आ गया माशाल्लाह, अभी खाना भी सीख जाएगा कुछ दिनों में,
और हमारी देखें लैला देखें वो शायद रैबिट्स को मार रही है, पानी पीने देखें कहाँ गई है। छोटी बाल्टियाँ हैं उसमें से नहीं पीती, इतनी बड़ी बाल्टी में से ये लोग पानी पीते हैं ना, छोटी बाल्टी में से पीते ही नहीं है पानी, पता नहीं सर क्या मसला है। वो सारा ना हमारे दुम्बो की जो बाल्टी का पानी है वो गंदा करते हैं, ये तो करती हैं डक्स हमारी, तो डक्स इसमें नहाती है ना, इस वजह से ज़्यादा गंदा हो जाता है। और उसमें अपने मुँह नहाती हैं, मुँह धोती हैं, क्या करती हैं पता नहीं, सारा गंदा कर देती हैं। और यहाँ पर भाई सारी ना फीड वगैरह फैलाई हुई हमारे चिक्स ने। शामिर वहाँ से इधर आ जाओ, इनको यहाँ नहीं लाओ, ये बाहर जाएंगे, इनको मिट्टी में खेलने दो, जाओ उधर चलो, सारे बच्चे ना हमारे वहीं पे खेलेंगे मज़े से। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सारे बर्ड्स को भाई दाना पानी कर दिया, यहाँ पे भी काफ़ी सारा लहसुन हमने डाल दिया है, तो ये रैबिट्स भी खा रहे हैं, अपनी मुर्गियाँ भी खा रही हैं, हमारी डक्स भी खा रही हैं, ठीक है ना। बाकी वहाँ बजरीस वगैरह को भी डाल दिया, लवबर्ड को भी डाल दिया। अच्छा हमारे शेरू ना यार दाना नहीं खा रहा था, तो फिर मैंने भाई उसको ना जो है लहसुन ही डाल दिया, वो भी लहसुन खा रहा है। यहाँ भी अपने ना दुम्बों को भाई लहसुन डाला हुआ, ये भी लहसुन खा रहे हैं माशाल्लाह। फिर जो है जब ये लहसुन वगैरह खा लेंगे तो फिर इनको भाई और ना जो है दाना वाना देंगे हम माशाल्लाह। बाकी यहाँ पे भाई जो है गिनी पिग जो है फीड कर रहा है, मैं ज़्यादा करीब जाऊँगा ना यार, ये हमारी जो बबली है भाग जाएगी और ये फीड नहीं कराएगी। मैं आपको चुपचाप ना यहाँ से दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं माशाल्लाह जो है हमारा जो गिनी पिग्स का बेबी है माशाल्लाह फीड कर रहा है सुकून से बैठ के, वो ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, हमारी बबली जो है भाग जाती शामिल देखो। हाँ बस दोस्तों ऐसी चुपचाप ही दिखाएंगे आपको बिल्कुल आराम से, वरना यार ये बबली से उठ के भागेगी ना हमारा बच्चा भूखा रह जाएगा। तो चलिए इसको ज़्यादा तंग नहीं करता हूँ अब मैं, ठीक है। तो दोस्तों भाई वो बबली ना हमें देख के भाई भाग गई थी, तो हम वहाँ से हट गए, वहाँ पे अपना दोबारा से वो जो है फीड करा देगी अपने बच्चे को। और फिलहाल तो भाई हम यहाँ पे आ गए, और हमारे बच्चे ना ये जो मतलब हमारे मैडम के चिक्स हैं, इन्होंने यार आज तो लहसुन इतना कम खाया, और रैबिट भी नहीं खा रहे शामिल, पता नहीं क्या मसला है इन लोग के साथ। क्या दोस्तों वैसे शामिल नाम तो अच्छा बता रहा है पिकाचू, इसका नाम देखते हैं दोस्तों, वैसे नाम मैंने अच्छा लगा है मुझे भी, तो इंशाल्लाह जैसा भी होगा ना आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लग जाएगा कि भाई हमने अपने गिनी पिग के बेबी का नाम क्या रखा। हाँ बाकी दोस्तों आप लोग भी कमेंट करके बताएगा कि भाई हम अपने जो है गिनी पिग के बच्चे का नाम क्या रखें। अभी तो फिलहाल सारे माशाल्लाह हमारे जो बर्ड्स हैं पेट्स वगैरह सब खा पी रहे हैं सुकून से आराम कर रहे हैं। तो यार दोस्तों व्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मिलते हैं इंशाल्लाह ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।